हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं सभी लोग। सभी का धर्मंत्रा पर स्वागत है दोस्तों। मैं और मेरे साथ जो चुके हैं आशीष सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सेशन के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे दोस्तों कि सीटेट का पेपर नज़दीक है आपका। 7 जुलाई को पेपर है और बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी शांत एकदम मतलब आराम से बैठे हुए हैं कि ठीक है सर, कोई ऐसी गुट्टी पिलाएंगे सर और उसको बस 1-7 दिन में पी करके सर हमारा सीटेट हो जाएगा। तो सर उसका रिजल्ट हमारा बताइए बच्चों को, लास्ट रिजल्ट क्या रहा था, पेपर 1 का क्या रिजल्ट था, पेपर 2 का क्या रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों ऐसी गलती जो पहले हो चुकी हैं उन गलतियों को दोहराओगे तो फिर दोबारा से बेटा वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप लोगों को दोस्तों एक सही रणनीति, एक सही तरीके से तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से आप अपनी पूरे जो आने वाले टाइम में जो बचा है आपके पास, सर कितने दिन बचे हैं बच्चों के पास? सर मैं ये कहूंगा कि जैसा भी आपने बताया ना सर, कि जैसे जो ऐसे थंबनेल आता है 7 दिन में पास कर ले, 15 दिन में पास कर ले, या खाली इतना पढ़ ले हो जाएगा सर, आप रिजल्ट इसका हमारे सामने। और ऐसा सर अब सीटेट मैं कहूंगा सर, जैसे अभी ये जनवरी में जो पेपर देखा था ना सर, इसमें ये तो स्पष्ट हो गया था कि आप अगर इसको बहुत ही हल्के, अगर सीटेट ही तो है और पेपर हर हफ्ते भर में पास हो जाएगा, खाली PYQ रट के पास हो जाएगा, तो सर रिजल्ट आपके सामने रहा था पेपर 1 का भी, जिसे बहुत हल्का बताते हैं सर, उसमें जो है पेपर और पेपर 2 दोनों का रिजल्ट आपके सामने, तो लास्ट में कोई मैजिक नहीं होगा, अभी भी समय है। मैं तो कहूंगा सर टोटल सर 30 दिन मान के चलो। देखो सर सीटेट वालों CBSE ने सर साफ साफ बोला था, और सर इसलिए ऑलरेडी आप लोगों को बेटा 3 महीने का टाइम दिया गया। जब अब से आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद दोस्तों तैयारी करने का मौका मिलता है, हर 6 महीने में पेपर होता है आपका ये, और पूरे 3 महीने का आपको टाइम दिया गया, ठीक है। आपका अब आप सोचें कि सर हम उसको 3 महीने की तैयारी को, 3 महीने की पढ़ाई को हम केवल 10 दिन में या 1 महीने में कर लें, तो बेटा वो कहने के लिए आसान है लेकिन आप लोगों को करने के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि जो बच्चे सर हमारे अध्र्मता की टीम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लाइव रहते हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों उसको जरूर याद रखिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको उससे। अगर सिंपल सी सर बात करें सर, देखो लास्ट टाइम में सर कोई मैजिक नहीं होगा सर, अगर मैं बात करूँ ये लास्ट टाइम में कोई मैजिक नहीं होगा सर, अंतिम 30 दिन सर पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको पास करना है सीटेट, और इस बिना इसके आपकी आने वाली सारी वैकेंसीज रुक जाएंगी, चाहे DT+ भी है, KBS है, कोई सारी वैकेंसी के साथ दौर बंद हो। तो अंतिम 30 दिन में सर हम ये कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसाइज करके फिल्टर करके ये जरूर पढ़ना है। तो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, सबसे बड़ा सवाल है जो बच्चे का सर निकल के आता है कि क्या पढ़े सर, और कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े। ठीक है दोस्तों, अगर आप पुलिस फोन में आ गए आपका पेपर पास करना बहुत ज़्यादा आसान, मैं तो नहीं कह सकता कि आपको 130-140 आ जाएंगे, हाँ लेकिन एक आराम से पेपर जरूर क्लियर कर। तो सर अगर थोड़ा सा अगर पेपर का सर पैटर्न देखे सर, अगर यहाँ पर है ना पेपर का पैटर्न देखे सर, अगर 30 डेज का सर हम टाइम लेके चले, 2-4 दिन आगे पीछे छोड़ दो सर, 2-4 दिन में खाली मैराथन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अगर हम पेपर 1 का पैटर्न देखे सर, अगर यहाँ पे हम बात करें सर, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है सर, पेपर 1 जो है 150 मार्क्स का, आप सबको पता ये चीज़ है, मैं दोबारा इसलिए बता दूंगा ताकि इसमें होगा क्या सर, बहुत ज्यादा कंसाइज कर लिया मुझे करना क्या है। मैं सर यहाँ जैसे कि सर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट अगर बात करें, CDP, EVS, मैथ, Language 1, Language 2, हर सब्जेक्ट 30 नंबर का होगा, और 30 नंबर की बात करें तो 15 सवाल सर कंटेंट क्या देगी, 15 सवाल पैडागोजी क्या देगी, इसके लिए यही EVS में होगा, यही मैथ में होगा, यही हिंदी में होगा, यही इंग्लिश में होगा, या यही संस्कृत में होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर, CDP+ पैडागोजी आराम से मिला के 90 नंबर की होगी, परंतु सर जैसे आप EVS की क्लास ले रहे हो सर, EVS का कॉन्टेंट सर देखा जाए बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, लेकिन सर क्या पैडागोजी भी ऐसी है? सर देखो एक्चुअली में क्या है कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 15 नंबर का कंटेंट है और 15 नंबर की ही पैडागोजी है, तो यानी कि पैडागोजी को दोस्तों देखोगे हर सब्जेक्ट में लगा करके तो आपके 90 नंबर बन रहे हैं, और अगर आप कंटेंट में जाओगे दोस्तों तो आप हर सब्जेक्ट का 15-15 नंबर कॉन्टेंट है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जैसे 12 बजे सर की क्लास आती है यूट्यूब पर, मेरी 1 बजे आती है, हम लोग वहाँ पर कॉन्टेंट प्लस पैडागोजी के लगातार रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। जो बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर हम लोग NCERT, जिसमें बात करूँ EVS को लेकर सर, तो बच्चे NCERT में जैसे 3rd क्लास है, 4th क्लास की भी NCERT है, 5th क्लास की NCERT है, उसकी बच्चे डिमांड करते हैं सर कि वो क्लास हम लोग कहाँ से करें, क्योंकि दोस्तों वो क्लासेस आपकी इस नोटिफिकेशन में हमने कराई है। तो दोस्तों उसके लिए आप देखोगे अगर, तो एक बार दिखा देता हूँ सर, उसमें क्या है सबसे अच्छा तरीका क्या है जैसे अध्ययन मंत्र सर यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो सर, यहाँ प्लेलिस्ट है, ये देखो आप देखोगे दोस्तों ये है आपकी प्लेलिस्ट, यहाँ पर जैसे आप यहाँ हो गए, यहाँ पे लाइव सेशन मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन दोस्तों अच्छा फायदा सर देखेंगे पता क्या चीज़ सर, जैसे अभी लाइव सेशन के अंदर सर ये जैसे अभी देखेंगे सर कि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं सर, जो बिल्कुल हमने सर मॉर्निंग सेशन में बात करें सर, संस्कृत की क्लास मॉर्निंग वाले सर 10 बजे करीब होती है सर की क्लास, बात करें अभी रोहित सर ने SST की पैडागोजी की नई क्लास शुरू कर दी है, बात करें 11 बजे हिंदी की क्लास जो कि बहुत स्पेशल, फिर 12 बजे मैं आता हूँ,
जीडीपी के लिए फिर एक बटे सर आ जाते हैं, इंग्लिश के लिए इसी तरीके से आपका जो है हिंदी का मैथ का सारी चीजें क्लासेस प्लान होती है। तो सर अगर मेरे को जैसे एनसीईआरटी पढ़नी है सर, जैसे यहाँ पे सर यहाँ पे जाएंगे हम लोग प्लेस पे जाएंगे, और दोस्तों प्लेस पे दोस्तों आपको जैसे मेरी एनसीईआरटी क्लास देखनी है तो फॉर एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे जाओगे आप तो आपको ये मिल जाएगी, ये रही, ये दोस्तों आपकी एनसीईआरटी सीरीज है जिसमें आपको मैंने 21 वीडियोस के अंदर आपको सारी की सारी फोर्थ फिफ्थ और थर्ड यानी कि तीनों क्लासेस की एनसीईआरटी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी दोस्तों आपको यहाँ से देखोगे तो ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये आपको सारी क्लास मिल जाएंगी टॉपिक वन से लेकर के टॉपिक उसके लेकर के प्लस मैप डायरेक्शन वाली भी क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर दूसरा देखेंगे जैसे हम लोग तो सर इन बच्चों को जैसे मॉक टेस्ट चाहिए सर, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करें हम लोग, तो सर मॉक टेस्ट के लिए देखो सर एक दूसरी हमने यहाँ पर ये बना रखी है, ये रही ये मॉक टेस्ट की दूसरी हमारी बनी हुई है। ऐसे सर यहाँ पे आपकी सीडीपी की दोस्तों देखेंगे आप लोग तो सीडीपी की यहाँ पर आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिनको रिवीजन करना है, जो लगता है कि सर हम पैसे दे करके हम नहीं कोर्स ले पाए तो क्या हम लोग तैयारी करके YouTube से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक सही रणनीति के साथ एक सही तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे सर बिना प्लानिंग के ही आपको सीधा धांधा क्लास करते जाओ होते जाए, नहीं होगा। एक प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर क्लास करेंगे आप, और सर सबसे बड़ी बात जो बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे आप बता रहे थे यहाँ पर कि ये जो आपके पेपर वन का है ये पेपर टू का है, ये सब अच्छे से आप लोगों को पता है, लेकिन दोस्तों आप जब तक मॉक टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे, पेडागोजी पर ध्यान नहीं करेंगे दोस्तों, आपका जो 90 नंबर लाना ही मुश्किल हो जाएगा। अब सर जैसे बात करें सर पेपर टू के अंदर सर एसएसटी बात करें सर 40 नंबर का कंटेंट आ जाता है जिसमें 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, सबको पता है, लेकिन सर होता नहीं है, रिजल्ट सबसे कम रहता है। साइंस मैथ की बात करें सर वहाँ पे भी 60 नंबर है। तो यहाँ पे जैसे बात करें सर एग्जैक्टली बात करते हैं सर एग्जैक्ट कॉन्टेंट पढ़ेगा तो सर या तो देखो एनसीईआरटी पढ़े और वो सर क्या संभव है, क्या वो संभव है, जैसे भी समझिए सर एवीएस की क्लास का बताया उन्होंने सारी एनसीईआरटी पढ़ के उसके निचोड़ आपको अपनी क्लास में दे दी, निचोड़ सर पूरे क्लास में दे दी। yes, पहले बच्चे आप कॉन्टेंट वाला पढ़ फिर प्रैक्टिस कर ले सर जो आपने भी मॉक टेस्ट बताए हो, या अभी आपने बिल्कुल न्यू बिगिनर हो या कोई क्लासेस नहीं करे तो सर मैं तो एक चीज कहूँगा सर देखो सर कंटेंट के लिए ना सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर कंटेंट के लिए कम समय में तैयारी करनी है ना सर तो ये मैं तो कह रहा हूं जो बैच नहीं ले पाया कोई बात नहीं, किताब लगभग 500 रुपए के आसपास ज्यादा महंगी, और सर 500 रुपए मेरे को लगता है अगर 30 दिन बच्चे ने सर इस तरह, और इसमें क्या है ना सबसे बड़ी बात क्या है कि साथ के साथ सब्जेक्ट की पैडागोजी दे रखी है, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, ईवीएस की, संस्कृत, तो सब कुछ दे रखा है, और इसमें क्या पहले कॉन्टेंट दे रखा है, कॉन्टेंट के बाद आपके सवाल दे रखे पीवाई के बाद फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लास्ट में सर मैं कहूँ फिर कोई मैजिक नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पछतावा ना हो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, अभी भी समय है, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा बेटा अभी भी जुड़ जाइए अध्ययन मंत्र परिवार के साथ और पूरी टीम सर शिद्दत के साथ लगे। और सर एक और बात बता दूं दोस्तों, जो बच्चे ऐसे हैं बहुत से दोस्तों बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने लगता है कि सर अभी हम जो है कि और कोई तरीका मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है भाई, बिना मॉक टेस्ट के बेटा आप लोग जो है सोचें कि तैयारी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। और फिर भाई आप लोगों को अध्ययन मंत्रा की एप्लीकेशन पर फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं, आप चाहें तो अभी जाकर के देखिएगा, आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पेपर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जो अध्ययन मंत्रा की हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो अध्ययन मंत्र की आपकी एप्लीकेशन है वो आपको एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी अपने सिस्टम पर या अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी है। तो भैया जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हमारी जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ भी अब दोस्तों आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो वो पीडीएफ भी मिल जाएंगी आप लोगों को, क्यूज भी मिल जाएंगे आप लोगों को, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हाँ हमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, कुछ और हमें हो सकता है हमारे दिमाग में नहीं आ रही हो, आप लोगों को आपको लोगों की नीड है, आप लोगों को लग रहा है सर कि हमें ये चीज़ और मिल जाए तो सर हमारे लिए अच्छा होगा, तो आप हमें उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को देख करके उस पर आप लोगों के लिए जो भी नीडफुल चीज़ें होंगी सर हम लोग करेंगे। बिल्कुल सर, तो साथ ही ये भाई बहुत ही क्लियर सी बात ये हो गई कि दोस्त सर पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर, पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, अभी भी समय है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, जब दोस्त की नौकरी लग जाएगी उसका क्लियर रहेगा, मेरा एक नंबर दो नंबर से रहेगा सर बहुत फील होता है भाई। हम तो यही कहना चाहेंगे जो बच्चे नए हैं अध्ययन मंत्र परिवार के साथ, अभी भी समय है, अभी भी आप क्रैक कर सकते हो, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो दोस्तों, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, हम पढ़ाने के लिए शिद्दत से लगे हुए हैं, आप बस अपना एक कदम बढ़ा दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कोई भी सवाल आ रहा है, लैंग्वेज के लेकर कोई सवाल आ रहा है, पैडागोजी को लेके आ रहा है, किसी सब्जेक्ट को लेके आ रहा है, तो सर अगला वीडियो सर उस पर रखा है। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे ही आप लोगों को लिंक मिला हुआ है जहां पर से आप जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।